चेर्नोबिल हादसे में 36 साल पहले 1986 क्या हुआ था जरा देखिए, 26 अप्रैल थी वो तारीख 1986। वहां प्लांट में यही देखा जा रहा था कि अगर कोई हादसा होता, अगर कोई इस तरह की स्थिति बनती है तो क्या होगा, क्या हमारे पर्याप्त सिक्योरिटी मेजर्स हैं। और वो जब परखा जा रहा था तभी ऐसा धमाका हुआ कि प्लांट में इस धमाके के बाद ये असल में एक तरीके से परमाणु बॉम्ब की तरह फूटा। रिएक्टर टेस्ट के दौरान यह ब्लास्ट हुआ था, इसमें ऊपर की पूरी छत उड़ गई थी और धमाके में तुरंत ही 30 लोगों की, वहां जो काम कर रहे थे स्टाफ के लोग, वो मारे गए थे। लेकिन बाद में 4000 लोगों की रेडिएशन से तड़प तड़प कर मौत हुई थी। रेडिएशन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हुई और इसकी वजह से करीब 50 लाख लोग किसी ना किसी तरीके से प्रभावित हुए। तो स्वास्थ्य समस्या हुई या पलायन करना पड़ा या किसी ना किसी तरीके से इस वजह से वो प्रभावित हुए, उनकी जिंदगी प्रभावित हुई। और आज भी यहां हवा में जानलेवा रेडिएशन मौजूद है, इसीलिए इसके कई किलोमीटर का एक दायरा बनाया गया है जिसमें लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वहां आज भी विकिरण मौजूद है। 20,000 साल तक यह कहा जा रहा है कि यहां रेडिएशन का खतरा बना रहेगा। 20,000 साल 1986 में जो हुआ, 20,000 साल तक उसका खतरा बना रहेगा। अगर डर्टी बॉम्ब, ये पोटेंशियल डर्टी बॉम्ब है ये दोनों, तो क्या हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है।